अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातु। आज हम चिकन रारा बना रहे हैं। ये देखो, ये हमारे पास 1.25 किलो चिकन है। इसको धो के साफ करके पानी छान के लिए है। ये इसका चिकन का बोनलेस 1/2 किलो है। एक सीने का हमने ऐसा बारीक बारीक टुकड़ा करके रखे है, देखो कीमे की तरह। ये 3 प्याज है, इसको चॉप करके रखी है। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, 2 चम्मच तेल डालेंगे, 1 प्याली किरिन डालेंगे, नींबू 1/2 डालेंगे, कस्तूरी मेथी डालेंगे, कोथमीर डालेंगे। ये टमाटा, 3 टमाटे को चॉप करके लिए हैं। ये मिर्ची डालेंगे, छोटी भी है बड़ी भी है। दही डालेंगे इसमें से 3 चम्मच भर की। 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये गरम मसाला है, देखो ये रारा का गरम मसाला ऐसा बनाती। ये देखो इसमें है काली मिर्च है, लौंग है। ये देखो काली मिर्च 1 चम्मच भर की है। ये देखो ये है जावेत्री है, 5 इलायची छोटी है, और ये जायफल का टुकड़ा है, ये देखो, और लौंग है। ये मसाले को हम, ये जीरा डालेंगे 1 टेबल स्पून। ये जीरा डाल के इसको भुनेंगे और पीस के इसकी पाउडर बना के डालेंगे। ये कोथमीर डालेंगे। ये मसाला देखो, 1 टेबल स्पून धनिया है, 1 टीस्पून हल्दी है, 1/2 टेबल स्पून कुटा भुना जीरा है, और 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर है। अब 1 प्याली क्रीम डालेंगे। अभी ये भुनेंगे, ये भुनते हुए दिखा रहे। ये देखो ये गरम मसाला हम भून रहे हैं। अब भुनने के बाद पीस के लाएंगे। मसाला भून के हो गया, अभी इसको पीस के। 2 चम्मच हमने तेल डाले, अभी ये प्याज डाल रहे, नमक डालेंगे इसके साथ, और प्याज का कलर बदली करेंगे, प्याज को अच्छा लाल करेंगे, कच्चा नहीं रखेंगे। प्याज का कलर बदली हो गया अच्छे से, अभी इसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। और कलर बदली करेंगे तो सालन काला बनता है। इसमें अच्छे से भुनेंगे अदरक लहसुन को। अभी अदरक लहसुन को बारीक गैस पे रखेंगे, टमाटर डाल के ढक्कन रख के रखेंगे, और चिकन को मैरिनेट करेंगे। अभी चिकन को मैरिनेट करेंगे। देखो अभी हम दही डाल रहे हैं इसमें, देखिए, बस हमने दही डाले। इसमें दही को जरा फेटेंगे और मसाले डालेंगे। अभी ये मसाले डाल के पूरा मिक्स करेंगे अच्छे से, और फिर चिकन को लगा देंगे। नमक हमने प्याज में नमक डाले हैं, इसमें नमक नहीं डालेंगे, ये तो ज्यादा हो जाएगा नमक। मसाला मिक्स हो गया। ये देखो नींबू का रस डाल रहे हैं। अभी चिकन डालेंगे, अभी इसको मिक्स करेंगे, मसाले के अंदर मिक्स करेंगे इसको। टमाटर गलने के लिए, प्याज गलने के लिए रखे हैं। टमाटर गल गया, अभी इसमें मिर्ची डालेंगे, थोड़ी छोटी मिर्ची डालेंगे, थोड़ी बड़ी मिर्ची डालेंगे। छोटी मिर्ची से टेस्ट आता है अच्छा, बड़ी मिर्ची में तीखा नहीं रहता। थोड़ी कोथमीर डालेंगे। अभी चिकन डालेंगे। कस्तूरी मेथी, मलाई और बोटलेस चिकन लास्ट में डालेंगे। बाद हमने प्याज और टमाटर को गलने के लिए रखे और चिकन को मैरिनेट किए, इसमें 5-6 मिनट लगा। अभी हम चिकन इसमें डाल के अच्छे से भुनेंगे और बारीक गैस पे रखेंगे, और 5 मिनट उसके बाद उसमें कीमा डालेंगे, ढककर रख के रखेंगे। 5 मिनट हो गए। अब ये चिकन का बोटलेस है ना, कीमे की तरह बनाए, अंदर डाल के अच्छे से भुनेंगे।
अभी देखो कसूरी मेथी डाल रहे हैं, पूरा मिक्स करेंगे अच्छे से और थोड़ा मसाले का पानी लगाएंगे। ज्यादा पानी डालने से चिकन अच्छा नहीं लगता है, आपको ग्रेवी चाहिए तो डालो। इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं, चावल के साथ भी खा सकते हैं। अभी हम मसाले का पानी डाल रहे हैं। आधा गिलास हमने हिसाब से पानी डाले, चिकन जल्दी पक जाता है, पकने चिकन को टाइम नहीं लगता है। देखो मिक्स हो गया, अभी 10 मिनट इसको ढककर रख के पकाएंगे, फिर मलाई डालेंगे। जो मसाला पीस के लाए ये देखो पूरी पाउडर बना दिए, ये डालेंगे इसके अंदर। और मिक्स करेंगे इसको, कोथमीर डालेंगे, मलाई भी डालेंगे और पकते हुए रखेंगे चिकन गलने तक 5 मिनट। चिकन गलने को आ गया, एक प्याली हमने क्रीम डाले। चिकन तैयार है, पक्के तैयार है चिकन। अभी इसको हम सर्व करके बताएं। देखो चिकन रारा बनाए, उसके साथ रोटी बनाए, देखो कैरी का अचार बनाए, सलाद बनाए, ककड़ी गाजर टमाटर का और दही रखे। ऐसा बना के ऐसे तरीके से बना के खाओ, इसी तरीके से। मैं किचन को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल बजाओ। मेरी रोज की नई नई रेसिपी आपको देखने को मिलेगी। व्हाट्सएप पे भेजो, रिश्तेदारों में भेजो। मैं किचन को आगे बढ़ाओ प्लीज। अल्लाह हाफिज।